स्टूडेंट्स, तो कल हमने मींस एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सम्स किए थे, तो अभी हम फिर एग्जांपल 2 कर रहे हैं। पेज नंबर 178 एनसीईआरटी में आपकी पेज नंबर 178 एनसीईआरटी एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 क्या है? इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, then prove that angle B is equal to angle Q। ठीक है, आपकी NCERT textbook में इसका solution थोड़ा सा difficult है, मैं थोड़ा easy method कराऊंगी और वो method आप exam में करोगे तो marks पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा पर method हमारा अलग है और थोड़ा easy है। तो देखो यहाँ पे question क्या बोल रहा है, angle B and angle Q are acute angles such that साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो ये क्वेश्चन किस में आया, कौन सा चैप्टर है ये? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अच्छा, अब इसमें क्या है, बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। बी एंड क्यू क्या है? एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से जिनकी वैल्यू कम हो। तो देखो सेंटर वाला तो ना एक्यूट हो नहीं सकता। एक्यूट मतलब क्या होते हैं? एक्यूट मींस हैविंग लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से वैल्यू कम हो। ठीक है, तो ये राइट एंगल तो नहीं हो सकता है, ना बी ना क्यू। राइट एंगल ना बी हो सकता है ना क्यू हो सकता है। ठीक है, बी या क्यू दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कुछ और ही नाम दे दो, समझो ए दे देते हैं। ठीक है, ए नाम दे देते हैं। और बी और क्यू एक्यूट है, तो इसको इसको जिसको भी बी दे दो, इसको बी दिया इसको क्यू। एक्यूट क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वो एक्यूट। तो आप भले बी इधर लिखो, क्यू इधर लिखो, बी इधर क्यू, ए ये हमने लिखा भाई 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू? अच्छा क्या है इन ट्रायंगल? अच्छा अब यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू आपको साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है और प्रूव करना है। ये प्रूव दैट वाले सम्स में क्या होता है? प्रूव दैट में आपको चीज दी जाती है, ये दिया हुआ, ये गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन क्या है आपका? गिवन दिया क्या हुआ है? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपको क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपको प्रूव करना है भाई। ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे प्रूफ? तो देखो आपको, देखो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, पर आपको पता है साइन बी की वैल्यू क्या है? नहीं पता है ना, तो साइन बी की वैल्यू पहले फाइंड करो। तो साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन बी, तो देखो इस ट्रायंगल में बी पे एंगल बनाओ, साइन बी है ना, बी पे एंगल बनाओ, तो साइन बी क्या होगा? ये ऑपोजिट होगा और ये हाइपो होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है? ए क्यू, और हाइपो क्या है? बी क्यू। तो ए क्यू अपॉन बी क्यू, तो देयर फोर साइन बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, साइन बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, साइन बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, इसको बंद दे दो। ठीक है, अब फिर से अब साइन क्यू फाइंड करो, साइन क्यू। नाउ साइन क्यू, साइन क्यू भी ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ऑपोजिट क्या? क्यू, साइन क्यू क्यू एंगल है। ठीक है, तो क्यू एंगल के लिए फिर से वही फिगर बनाओगे, फिर से ये ए ये बी ये क्यू। ठीक है, तो क्यू एंगल है इस बार, क्यू एंगल है हमारा, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये एंगल के सामने वाले को ऑपोजिट कहा जाता है, एंगल के सामने वाले को ऑपोजिट, और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी क्यू, तो इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू।
मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में साइन भी साइन क्यू दिया हुआ है पर मुझे पता ही नहीं है साइन भी साइन क्यू क्या है, तो मैंने साइन बी और साइन की क्यू की वैल्यू यहाँ से मैंने ट्रायंगल से फाइंड की। ए ये मैंने लिखा है, ठीक है, ए क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, पर किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं, तो ये ए मैंने खुद से नाम दिया। बी और क्यू दिया हुआ था, मैंने ये ए नाम दिया, ठीक है। तो साइन बी ये आया, साइन क्यू ये आया, ठीक है। अब ठीक है, नाउ देखो अब क्या, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू तो दिया हुआ है ना, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू कहाँ से आया, गिवन दिया हुआ है ना। साइन बी क्या है, साइन बी की वैल्यू ए क्यू अपॉन बी क्यू, ठीक है, ए क्यू अपॉन बी क्यू। साइन क्यू की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी क्यू, तो ए बी अपॉन बी क्यू। ये कहाँ से आई वैल्यूज, वन एंड टू, ठीक है, बिकॉज वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ देखो बी क्यू कैंसिल, सेम है, तो बी क्यू कैंसिल, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। अच्छा अब इन ए क्यू, अच्छा ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो देखो ये आपका ट्राइंगल है ना ए क्यू, ये साइड ए क्यू है, ये साइड ए क्यू है, इस ए क्यू साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए क्यू के अलावा कौन सा एंगल है, बी, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, बी, ए बी है, ए ए बी है, ए बी का ए बी के अलावा एंगल कौन सा है, ए बी हो गया, अलावा एंगल कौन सा है, क्यू, ठीक है, तो ये क्यू। ये कहाँ से आया, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था, क्या था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है तो ए क्यू है, ए क्यू का ऑपोजिट एंगल क्या है, बी, और ए बी, ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, क्यू, तो बी इज इक्वल टू क्यू, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। फिर से देखो कैसे स्टार्ट लिया हमने, तो पहले जो दिया हुआ था भाई गिवन दिया हुआ है, टू प्रूफ दिया हुआ है, वो लिख दिया। फिगर में लिखा था बी और क्यू एक्यूट है, तो बी और क्यू एक्यूट मतलब राइट तो नहीं होगा, एक्यूट है तो राइट कैसे होगा, तो राइट के लिए मैंने तीसरा कोई भी नाम दे दिया, मैंने ए दे दिया, ठीक है, तो ये मैंने ए बी क्यू बनाया, ठीक है। अच्छा मेरे को अब साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, तो साइन बी मैंने, साइन बी इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन बी, तो बी को एंगल बनाया, देखो बी पे एंगल बनाया, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाले को ऑपोजिट बोलते हैं और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, तो ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू, इसको वन दे दिया, ठीक है। अब ये साइन क्यू है, देखो ये साइन क्यू है, तो साइन क्यू फिर से ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है। अब इस बार देखो क्यू को एंगल बनाया, फिगर बिल्कुल डिटो सेम है, इस बार क्यू को एंगल बनाया, तो क्यू को एंगल बनाया तो ये ऑपोजिट और ये हाइपो, तो ए बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो अच्छा अब क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, देखो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू क्या है, गिवन, पर साइन बी क्या है, ए क्यू अपॉन बी क्यू, ए क्यू अपॉन बी क्यू, साइन क्यू क्या है, ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू कैंसिल, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो ए क्यू का ऑपोजिट क्या है, एंगल बी, ए क्यू का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, और ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल क्यू, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल टू था, एनसीईआरटी बहुत डिटेल मेथड है, हमने एकदम शॉर्ट में किया है और ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही सेम आपका एक्सरसाइज 8.1 में है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 6 सेम ऐसा ही सब है, 8.1 में क्वेश्चन 6 है, ठीक है, पेज 181 है, पेज 181 एक्सरसाइज 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, उसमें है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मैं रबी कर देती हूँ, सारा फिर से लिखती हूँ, ठीक है। सेम मैं एग्जाम्पल टू के बाद क्वेश्चन 6 करा रही हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6, इन दोनों का मेथड एकदम सेम है, ठीक है,
इन दोनों का मेथड एकदम सेम है, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे हम, तो देखो इसमें स्टार्ट वैसे ही लोगे, सॉल्यूशन पहले गिवन, गिवन क्या लिखोगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। फिगर कैसे बनाओगे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स तो एक्यूट है मतलब राइट तो होगा ही नहीं, तो ए एंड बी आर एक्यूट, तो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो और इसको सी दे दो, ठीक है। एक्यूट एंगल बोल रहे हैं ना, एक्यूट एंगल तो राइट पे तो आएगा नहीं, इधर इधर ही आएंगे, ठीक है। ए बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। अभी प्रूफ कैसे किया था वैसा ही करो, प्रूफ क्या करोगे, पहले कॉस ए फाइंड करोगे, क्वेश्चन में कॉस ए है तो कॉस ए फाइंड करोगे, तो कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। तो कॉस ए, तो देखो ये ए आपका एंगल है कॉस ए, ठीक है, तो ये ए एंगल है आपका, तो ये हुआ ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल का ऑपोजिट ऑपोजिट होता है, ये आपका हाइपो और ये जो बचा एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है सी ए या ए सी और हाइपो क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ इसको वन दे दो, नाउ कॉस बी, कॉस बी भी क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। सेम फिगर बनाएंगे फिर से, वही सेम फिगर, ठीक है, ये ए सी डी, इस बार ये बी को लेना है, तो ये बी आपने लिया एंगल, तो ये सामने वाला ऑपोजिट, एंगल के सामने वाला ऑपोजिट, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस और जो रहा वो एडजेसेंट, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, तो कॉस बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इसको दे दो टू, ठीक है। अच्छा अब नाउ क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी, देयरफॉर ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये कहां से आया, बिकॉज वन एंड टू, आई कहां से वैल्यू, तो ये वन और टू से वैल्यू आए, ठीक है। तो देखो ए बी ए बी कैंसिल, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए सी का ऑपोजिट कोई भी ट्रायंगल देखो दोनों सेम ही है, ए सी, ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है बी, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल बी है, बी सी का ऑपोजिट एंगल, बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या है ए, ठीक है, ए। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वाई सेम, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो देखो वही चाहिए ना, बी इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू बी, ए की बात हुई ना, ठीक है। दोनों मैंने एक ही तरह से कराया, वो एग्जाम्पल टू क्वेश्चन सिक्स, और एकदम इजी मेथड है, और ठीक है आप आराम से कर पाओगे अगर बाय चांस एग्जाम में आता है तो, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल फोर करते हैं, एग्जाम्पल फोर का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल फोर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल फोर आपका पेज 180 पे है,
एग्जाम्पल फोर आपका पेज 180 पे है, एग्जाम्पल फोर पेज 180, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है आपकी। क्या है क्वेश्चन? इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल एबीसी, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी, इफ 10 ए इज इक्वल टू 1, इफ 10 ए इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, बी पे, ठीक है, ये बी पे राइट एंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल बी पे, तो उसने कोई ए सी के लिए थोड़ी कुछ लिखा है कि भाई ए इसको लो सी इसको लो, तो आप कहीं पे भी कैसे भी ले लो, ये ए ये बी और ये सी, मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है? इफ 10 इज इक्वल टू 1, अच्छा आप गिवन लिख देती हूँ, इसमें देखो वेरीफाई है, वेरीफाई वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रूव करना, प्रूव करो, लाओ ये, ठीक है, तो सॉल्यूशन में गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है? 10 a इज इक्वल टू 1, टू प्रूव मतलब वेरीफाई, क्या प्रूव करना है आपको? 2 साइन a cos a इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो प्रूफ क्या करेंगे आप, ठीक है, प्रूफ, अच्छा प्रूफ क्या करोगे? तो देखो 10 a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, 10 is equal to 1, ठीक है, तो 10 a is equal to 1, अच्छा 1 है तो 1 को 1 upon 1 लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा 10 a क्या होता है, 10 a क्या होता है आपको पता है? 10 a opposite upon adjacent, ठीक है, a है ना, a ये a है, ठीक है, a है ना, तो एंगल किस पे बनेगा? a पे बनेगा, ये a एंगल, ठीक है, जो एंगल लिखा होता है ना, ये एंगल देखो लिखा हुआ है a, ठीक है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका ए एंगल है, ठीक है, तो इसके एंगल के सामने वाले को क्या बोलोगे? ऑपोजिट, ये राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस, और जो रहा वो क्या है? एडजेसेंट, ठीक है, तो ऑपोजिट की वैल्यू क्या है? 1, मैंने आपको क्या बोला था? जब भी अपॉन में हो तो के साथ में लगता है, ठीक है, तो 1 के है, ऑपोजिट क्या है? 1 के, और एडजेसेंट की वैल्यू भी क्या है? 1 के, ठीक है, तो यहां देखो आपके पास BC है, AB है, पर आपके पास ये हाइपोटेनस नहीं है, तो क्या कौन सा थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो AC क्या है? AC फाइंड करना है, ठीक है, AC स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, AB क्या है आपका? AB 1 के स्क्वायर, ठीक है, 1 के स्क्वायर, BC क्या है आपका? BC वो भी 1 के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो AC स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 के का स्क्वायर, के स्क्वायर, ठीक है,
वन का स्क्वायर वन, के का स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये स्क्वायर हटा होगा तो सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, सारे में स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये रूट इसको भी मिलेगा, ये रूट इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो रूट टू के आया, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू रूट टू के, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ कर रहे हो आपको टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन करना है, क्या टू साइन ए कॉस ए को वन लाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले साइन ए तो होना चाहिए ना, आपको साइन ए कॉस ए तो होना चाहिए ना। तो आपके पास साइन ए क्या है, साइन ए, साइन ए क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा आपने ए सी रूट टू के लाया, तो ये ए सी रूट टू के यहाँ लिखोगे, ठीक है, ए सी रूट टू पर के यहाँ लिखोगे। अच्छा ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट वन के, हाइपोटेनस क्या है, रूट टू के, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू वन के अपॉन रूट टू के, ठीक है। तो देखो के कैंसिल, तो साइन ए क्या आया, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, कॉस ए, ठीक है, तो कॉस ए भी ला दो, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है, कॉस ए क्या है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है, वन के, हाइपो क्या है, रूट टू के, ठीक है। के कैंसिल, तो वन अपॉन रूट टू, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे आप, अब आपको लाना क्या है, टू साइन ए कॉस ए को वन लाना है, ठीक है। तो एल एच एस टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए क्या है, वन अपॉन रूट टू, जो लाना है टू साइन ए कॉस ए लाना है ना, तो टू वन अपॉन रूट टू, और कॉस ए की वैल्यू भी क्या है, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो ऊपर टू, रूट टू जा रूट टू स्क्वायर, ठीक है, रूट टू स्क्वायर, ठीक है। तो रूट टू के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू और रूट टू जा रूट टू स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया, टू अपॉन टू, ठीक है। तो टू वन जा, तो क्या आया आंसर, वन। तो देखो यही तो चाहिए था, टू साइन ए कॉस इज इक्वल टू वन, तो ये क्या हुआ आपका आरएचएस, ठीक है। तो देखो यही तो चाहिए था, टू साइन ए इज इक्वल टू, तो हेंस टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। क्या किया देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी टेन इज इक्वल टू वन, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो ए बी सी राइट एंगल ये रहा, फिर क्या बोला, टेन ए वन है, ठीक है। तो टेन ए वन का मतलब क्या होता है, वन अपॉन वन, वन है तो वन, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, हमने फॉर्मूला याद की थी ना, ठीक है। तो ऑपोजिट वन है, तो मैंने आपको बोला था रेशियो में अपॉन में तो के लगता है, तो ऑपोजिट वन के और एडजेसेंट वन है तो वन के, ठीक है। अच्छा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा, ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या है, वन के स्क्वायर, बी सी क्या है, वन के स्क्वायर, तो वन के क्या है, के स्क्वायर, फिर से वन के क्या है, के स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू के स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो रूट इसको भी मिलेगा, रूट इसको मिलेगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो रूट टू के, तो ए सी इज इक्वल टू रूट टू के, ठीक है। तो ए सी रूट टू के आया। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या चाहिए, वेरीफाई दैट टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन, आपको टू साइन ए कॉस ए वन के बराबर प्रूव करना है, तो उसमें साइन ए कॉस ए चाहिए, तो ये रहा साइन ए, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है, वन के, हाइपो की क्या है, रूट टू के, अभी अभी निकाले ना, के कैंसिल, वन अपॉन रूट टू है, फिर कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो वन के अपॉन रूट टू के, तो वन अपॉन रूट टू,
ठीक है। अब एल एच एस टू साइन ए कॉस ए, तो वो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए वन अपॉन रूट टू, कॉस ए वन अपॉन रूट टू, तो टू वन जा टू, टू वन जा टू, और रूट टू जा रूट टू स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो टू अपॉन टू कट शॉर्ट वन। ठीक है, ये वाला सम थोड़ा टफ है, पर ध्यान देना ये करना टफ है थोड़ा सा, मेरे को लगता है आपको टफ लगेगा, पर ये ध्यान देना आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देखें तो अभी हमने एग्जाम्पल किया, अब हम एक्सरसाइज में से करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 आपके एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 8.1 पेज 181 पे क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट का मतलब वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू, किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दो की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो सॉल्यूशन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है, कॉट थीटा की फॉर्मूला होती है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा अब ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल, इसने कुछ दिया ही नहीं है पर हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का सम है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, कुछ नाम कुछ भी नहीं है, तो आपको जो नाम अच्छा लगे दे दो। ठीक है, ये बीच वाला राइट एंगल होता है, इसने यह एंगल क्या लिया है थीटा, एंगल क्या लिया है इसने थीटा, तो यहाँ थीटा ले लो थीटा। ठीक है, तो एंगल जो थीटा है, एंगल थीटा है उसके सामने वाले को ऑपोजिट बोलते हैं। ठीक है, थीटा हम कहीं पे भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, ए सी कुछ भी नहीं बोला है, थीटा यहां लिखो एक ही बात है। ठीक है, और ये क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, और क्या रहा एडजेसेंट। ठीक है, ये आपका ऑपोजिट, ये हाइपो और ये एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, आपका एडजेसेंट क्या है 7, मैंने आपको क्या बोला था ऐसे अपॉन में हो तो 7k बोलते हैं, एडजेसेंट 7k है तो ये 7k। ठीक है, 7k और ऑपोजिट क्या है 8, तो 8k। ठीक है, 8k। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एंगल भी 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी 90 डिग्री, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर 8k का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर क्या है 7k का स्क्वायर। ठीक है, therefore AC square 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K square। ठीक है, 7 का इसको भी देखो स्क्वायर, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा स्क्वायर, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो 7 स्क्वायर और K square। ठीक है, कैसे करेंगे, ये स्क्वायर इसको भी और इसको भी, ये स्क्वायर इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर, अच्छा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 जा 64, 8 का स्क्वायर मतलब 8 जा 64। ठीक है, के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 जा 49। ठीक है,
तो 64 और 49 कितने होंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 6 और 4, 10 और 11, 113, ठीक है? तो 113 के स्क्वायर, ठीक है? तो AC स्क्वायर, स्क्वायर है तो सामने जाके क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, ठीक है? तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 के स्क्वायर, ठीक है? अंडर रूट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, 113 अंडर रूट के स्क्वायर, ठीक है? रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो रूट 113 और के, तो ये आपका AC आया, ठीक है? AC क्या आया? AC इज इक्वल टू रूट 113 के, ठीक है? अच्छा, अब आप क्या करोगे? आपको देखो क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लो। ये क्या है आपका? रूट 113 के, ठीक है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करो। साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट क्या है? 8 के। हाइपो क्या है? रूट 113 के, रूट 113 के, ठीक है? तो के कैंसिल, तो 8 अपॉन रूट 113, ठीक है? अभी क्वेश्चन में साइन थीटा है, कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा भी फाइंड कर लो। नाउ ये आपने साइन थीटा फाइंड किया, ठीक है? कॉस थीटा भी कर लो। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है? 7 के, और हाइपोटेनस क्या है? रूट 113 के। तो 7 के अपॉन रूट 113 के, के कैंसिल, तो 7 अपॉन रूट 113, ठीक है? तो कॉस थीटा, ठीक है? फर्स्ट, अभी पहला वाला देखो, अभी तो साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड किया, अभी इसके अंदर वैल्यू डालो इसमें। तो फर्स्ट इवैल्यूएट, मतलब फर्स्ट वाला फाइंड करना था ना, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला याद करा दूं। साइन नाइन्थ में फॉर्मूला थी, फॉर्मूला क्या थी? अगर ए प्लस बी, ए माइनस बी हो, मतलब ए ए सेम, बी बी सेम, प्लस और माइनस हो, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो क्या करोगे? ये देखो ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है? वो फॉर्मूला मैंने लगा दी, ठीक है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर करके लिख दो, ये फॉर्मूला ऊपर, ठीक है? ऊपर लिख दो ये फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, ठीक है? तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब 1, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अच्छा, आप वैल्यूज डाल दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन, और क्या था? 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा लेंथी लगेगा सम, क्योंकि अभी अभी नए नए आए हैं, भले मैं जितना भी धीरे चला रही हूँ, पर वही मैं आपको घड़ी घड़ी बोलती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सम्स करो। अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपका मगज कहीं और है, तो वो नहीं चलेगा, आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा, ठीक है? फिर से देखो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, आपको इवेल्युएट करना है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो आपको कॉस थीटा 7/8 दिया हुआ है, आपने एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट लिखा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है? तो आपने ट्रायंगल बनाया, कुछ नाम वाम कुछ नहीं दिया था, आपने अपनी रीत से एबीसी दिया, बी को 90 डिग्री लेते हैं, थीटा यहाँ लो, यहाँ लो, एक ही बात है, आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है? यहाँ लिया,
तो जहां थीटा लिया, जहां एंगल बना, उसके सामने वाले को ऑपोजिट बोलते हैं, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो रह जाए वो एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ एडजेसेंट के सामने 7 की वैल्यू है, ऑपोजिट के सामने 8 की वैल्यू है, तो एडजेसेंट क्या हुआ आपका 7 के, और ऑपोजिट क्या है आपका 8 के। ठीक है, तो इंटर एंगल ए बी सी, इंटर एंगल ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है 8 के का स्क्वायर, बी सी क्या है 7 के का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर। 64 और 49 कितने होते हैं 113 k स्क्वायर। ac फाइंड किया, ठीक है, तो ac इज इक्वल टू अंडर रूट 113 ऑफ k। ठीक है, फिर साइन थीटा, अभी क्वेश्चन में फर्स्ट वाला देखो, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट क्या है 8 के अपॉन रूट 113 के कैंसिल, तो साइन थीटा 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या है आपका 7 के, हाइपो क्या है रूट 113 के कैंसिल, तो 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, फिर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सम सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, वन माइनस देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो एट स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, सेम नीचे देखो न्यूमरेटर इतना है और डिनोमिनेटर, वन माइनस स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, 7 स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, इस रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहा देखो यहाँ पे, यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ से देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 1 माइनस 49 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम निकालना, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 113 है, तो इसको एलसीएम निकालना या क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ये सामने जाके से मल्टीप्लाई होगा, 113 जा 113। ठीक है, माइनस 64 अपॉन 113, इसको एलसीएम निकालना भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम इधर नीचे भी वही प्रोसेस, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 113 बन जा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, इज इक्वल टू 113 में से 64 गए तो 113 में से 64 गए तो 13 में से 4 गए 9 0, 10 में से 6 गए 4 0, तो 49 आया। ठीक है, 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 गए तो 113 में से 49 गए तो 64 आएगा, 64 अपॉन 113। ठीक है, तो देखो इसका भी अपॉन 113, इसका भी अपॉन 113, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये जो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ऊपर जाता है ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64। ठीक है, तो 113 बन जा, 113 बन जा, तो आंसर है 49 अपॉन 64। ठीक है, आप चाहो तो सीधा ऐसे से कैंसिल कर देते, 49 अपॉन 64 इज द फाइनल आंसर। तो ये आपने फर्स्ट का लाया, ठीक है, अभी आपको सेकंड का लाना है, तो सेकंड का तो बहुत इजी है, सेकंड का कैसे लाओगे, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो दिया ही है 7/8, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ठीक है। तो ये देखो दोनों आंसर सेम ही आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सम हुआ। होमवर्क में देखें, होमवर्क में आप आज जितना भी कराया, आज देखो सम्स आपके लिए थोड़े से मुश्किल हैं सम्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पर करने पड़ेंगे, और प्लीज सीरियसली लेना, फॉर ग्रांटेड मत लेना। ट्यूशन करा रही है ढंग से, आप करोगे नहीं तो फिर हम, आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, यू आर नॉट स्मॉल चिल्ड्रन, बड़े बच्चे हो, मैं समझ उम्मीद करते हैं कि हम वीडियोस बना रहे हैं तो आप ध्यान से देखते हो, अपने स्टडी रूम में जाके बहुत सीरियसली देखते हो, ठीक है। प्लीज़ ये रखना ऐसे ही, उसको आप मस्ती में मत लेना, मैं रोज़ बोलती हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा लगता है कोई बच्चा सीरियसली ना लेता हो। आप खुद अपनी बुद्धि लगाओ, टेंथ बोर्ड में हो, आपका पढ़ाई वेस्ट ना हो, इसलिए ये हम करते हैं, ठीक है। छुट्टी रख के नहीं बैठ रहे हैं हम, वीडियोस भेज रहे हैं, और उसके बाद अगर आप मस्ती में ले रहे हो, ऐसे घूमते फिरते देख रहे हो, टीवी देखते हो, तो दैट कम्प्लीटली डोंट मेक सेंस। ये मेहनत कब कब काम आएगी, जब आप आपके स्टडी रूम में एकदम शांति से देखोगे, ठीक है, फिर ये मेहनत रंग लाएगी कि हाँ भाई आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा, ठीक है। प्लीज़ अपने स्टडी रूम में एकदम शांति से, आपका फ़ोन, आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक और पेन, ठीक है, और आप अकेले, ठीक है, किसी भाई बहन काका पापा किसी के साथ नहीं बैठना है, आप अकेले होने चाहिए, फुल कंसंट्रेशन लगाना है आपको, ठीक है। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है, आज देखो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सम्स थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सम्स थे, ठीक है। तो एक बार ही आपको क्लास वर्क, जब वीडियो चलाओ ना तो उस टाइम आपको क्लास वर्क साथ साथ में करते जाना है, समझ समझ के, ठीक है। फिर आपको फिर एक बार होमवर्क भी देखना है फिर से समझ के, लास्ट में आपको खुद करना है, ठीक है। तो एक आपका तीन बारी करना है ये होमवर्क। आप कहोगे मैम पागल हो गई है, नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, बट डिफरेंट डिफरेंट सम्स हैं, तो थोड़ा आपके मगज में बैठे, मैं कैसे अश्योर करूँ कि बैठे हैं कि नहीं, टेस्ट तो मैं ले नहीं सकती हूँ, वैसे तो क्या मैं टेस्ट लेती रहती हूँ तो मुझे आइडिया आता है आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, खैर अभी भी मुझे नहीं पता चल सकता आप घर पे क्या कर रहे हो, पर प्लीज़ ये तीन बारी करना, एक बारी वीडियो देखते टाइम, दूसरी बारी फिर से एक बारी वीडियो देखते टाइम, थोड़ी स्पीड में होगा क्योंकि दूसरी बारी करोगे, और तीसरी बारी वीडियो बंद करके टेक्स्ट बुक ओपन करके खुद ट्राई करना, तो लगेगा भाई आपसे हुआ, ठीक है। प्लीज़ ऐसा करना, मुझे आप लोग की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। थैंक यू।